ओप्पो M3 दोस्तों फाइनली लॉन्च हो गया है इंडिया में, बेहतरीन फोन लॉन्च हो गया है। हम बात करने वाले इसी ओप्पो M3 के बारे में, तो वीडियो को अभी से लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। और अगर विद इन 10-11,000 आप एक बेहतरीन परफॉर्मर फोन ढूंढ रहे हो तो शायद ओप्पो M3 आपके लिए लॉन्च हो गया है दोस्तों, तो वीडियो को जरूर पूरा देखना। वेलकम टू डिजिटल नेटवर्क। पोको M3 दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें इसके लुक्स की। तो लुक दोस्तों हम बात करेंगे फ्रंट से, तो नॉच डिस्प्ले हमें देखने को मिलती है, बेहतरीन लुक है इसके। स्पेशली कलर बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं दोस्तों, ब्लू और एक येलो कलर में हमें देखने को मिलता है। येलो कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, एक बेहतरीन फ़ोन हमें देखने को मिलता है। लेकिन हम लुक के बारे में बात करें तो बैक साइड को आपको देखने को मिलती है ट्रिपल कैमरा सेटअप, और उसी के पैरेलली आपको देखने को मिलता है पोको की बहुत बड़ी ब्रांडिंग। ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। सेम बात हुई थी दोस्तों Redmi 9 Power के साथ, Redmi का बहुत बड़ा लोगो था दोस्तों, सेम बात पोको के साथ हुई है, वो बहुत बड़ी ब्रांडिंग देखने को मिलती है, वो शायद कहीं जो भी छोटी होनी चाहिए थी दोस्तों। अगली बात करें हम स्टोरेज के बारे में, तो 6GB वेरिएंट में ये लॉन्च हो गया है दोस्तों। 6+64GB और 6+128GB का वेरिएंट है। 6GB रैम विद इन 10-11,000 में मिलना बहुत बहुत बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि आज के समय में देखें तो रेडमी हो गया, सैमसंग हो गया, 3GB 4GB ऑफर कर रहे हैं, 6GB पोको ने ऑफर किया है, मतलब जो 10-11,000 का सेगमेंट है उसमें सबसे बेहतरीन रैम वाला फ़ोन जो होगा तो वो होगा पोको M3 दोस्तों। और इसी के साथ दोस्तों स्टोरेज के बारे में बात करें तो UFS 2.1 और 2.2 का सपोर्ट हमें देखने को मिलता है। ये जो रैम है वो LPDDR4X रैम हमें देखने को मिलती है, यानी रीड राइट स्पीड बहुत बेहतरीन होने वाला है दोस्तों, कोई दिक्कत आने नहीं वाली है। डिस्प्ले के बारे में बात करें दोस्तों, अगली बार डिस्प्ले तो 6.53 इंच का हमें फुल HD+ डिस्प्ले देखने को मिलता है। अगेन हम कंपेयर करेंगे बाकी के फोन के साथ, तो दोस्तों फुल HD हमें डिस्प्ले मैक्सिमम देखने को मिलता था, लेकिन फुल HD+ इस बार डिस्प्ले पे बहुत बेहतरीन काम किया है पोको ने, जो कि ओवरऑल एक बहुत बेहतरीन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मिला के एक बेहतरीन 11-10,000 के सेगमेंट में एक फोन बना देता है दोस्तों। स्पीकर के बारे में बात करें तो स्टेरियो स्पीकर हमें देखने को मिलते हैं दोस्तों, दोनों साइड से आपको आ जाएगी, बेहतरीन आवाज आएगी, जो कि एक अगर आपको मूवी या फिर सीरीज देखने की बहुत दिलचस्पी होगी तो एक मजा आने वाला है दोस्तों। कैमरे के बारे में बात करें तो कैमरा डिसेंट कहूंगा मैं, पीछे 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, फिर 22 मेगापिक्सल के दो कैमरे हमें दिए गए हैं। तो कैमरा ओवरऑल बाकी के जो रेडमी के फोन है, पोको के फोन है, उस हिसाब से आपको मेन कैमरा क्वालिटी देखने को मिलने वाली है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगली बात करें तो चार्जिंग की, तो 18 वॉट की हमें इन द बॉक्स चार्जिंग देखने को मिलती है दोस्तों, और 6000mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलती है, जो कि आपके फोन को 1-1.5 दिन पूरा आराम से चलाएगी दोस्तों, विद गेमिंग वगैरह ये सब। और स्नैपड्रैगन 662 यानी जो बाकी के फोन में मिलता है दोस्तों, वही 662 हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे ज्यादा काम किया गया है वो है दोस्तों रैम के साथ और दोस्तों कलर के साथ। तो दोस्तों ओवरऑल यही था पोको M3 का रिव्यू पूरे सेगमेंट में दोस्तों। इसकी प्राइस के बारे में बात करें तो 664GB हमें देखने को मिलती है, 10,999 दोस्तों, और 6+128GB देखने को मिलती है, 11,999। लेकिन दोस्तों इन ICICI के क्रेडिट कार्ड EMI ट्रांजेक्शन है तो उन पे थोड़े से डिस्काउंट चालू है, 1,000 रुपीज़ इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिलता है, यानी वो हमें देखने को मिलता है 9,999 और 10,999, 664 और 6128GB वाला वेरियंट। तो ओवरऑल एक बेहतरीन फ़ोन मैं कहूँगा, अगर आपको 2 से 3 साल एक फ़ोन यूज़ करना है तो ज़्यादा ड्यूरेबल हम कहेंगे तो ड्यूरेबल हम सैमसंग कहते हैं, लेकिन आपको 2 से 3 साल या 4 साल आपको फ़ोन चलाना होगा तो पोको M3 एक बेहतरीन परफॉर्मर आपके लिए सामने पेश है दोस्तों। मैं कहूँगा फर्स्ट सेल लाइन फेब को है, आप आराम से ले सकते हो फ्लिपकार्ट से। तो ओवरऑल यही था रिव्यू, तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।